एसएमडी हिमाचल प्रदेश के द्वारा यह राष्ट्रीय सेमिनार शिमला के अंदर आयोजित हुआ है। शिमला या पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो पारिस्थितिकी तंत्र रहता है उसके ऊपर बारिश का, तेज बाढ़ का और उसके कारण भूस्खलन, ये सारी समस्याएं पिछले कुछ महीनों में हमने देखी। हिमाचल के लिए तो यह बहुत बड़ी एक संवेदनशील विषय है क्योंकि पूरा का पूरा जो पर्यावरणीय विषय है हिमाचल की इकोनॉमी से जुड़ा है, चाहे फिर टूरिज्म हो, चाहे हाइडल पार्क प्रोजेक्ट हो, चाहे अर्बनाइजेशन हो। शिमला के जैसे शहर अगर इसके अंदर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई तो अब हमारे सामने बहुत सोचनीय ऐसी परिस्थिति है कि उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। जब जुलाई और अगस्त में घटनाएं हो रही थी तो आवश्यकता थी कि जल्दी से जल्दी एनडीआरएफ की टीम आए और सेवा कार्य किया जाए, समाज के अलग अलग वर्ग आए सेवा करने के लिए आगे बढ़े, थोड़ा धन सहयोग इकट्ठा करके सीएम रिलीफ फंड में दिया जाना है, इसका भी काम विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठनों ने किया है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अब बात करनी पड़ेगी। अब हम बैठे हैं, आराम से चर्चा कर सकते हैं, इमोशंस भी थोड़े कम हुए हैं, अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात करनी पड़ेगी। इन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में कंस्ट्रक्शन के बारे में कैसा योजना होगी, रूल्स प्रोसीजर्स को जो टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है उसके बारे में हमारा मन मत एक करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे मन में मेरे घर के लिए, मेरे आसपास के लिए, मेरे परिजनों के लिए नियम एक हो और दूसरों के लिए नियम अलग हो। तो शिमला के अंदर घटनाक्रम, पेड़ कटान, ये परिस्थितियां, जब बारिश आई तो उस समय सुरक्षा का संबंध था, परंतु उसके बाद क्या उसके अंदर गड़बड़ियां हुई हैं, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। परंतु अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सभी से बातचीत करके होना चाहिए, समाज इकट्ठे मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए, सभी विचारों के लोग, सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के इसमें आगे बढ़ें। हमने एक प्रारंभ किया है, एक कदम हमने लिया है स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट डे। मेरा निवेदन है एसएफडी की तरफ से, सुनील उपाध्याय ट्रस्ट की तरफ से, एक बृहत दृष्टि से देखा जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से भी मैं अपील करता हूं कि इसके ऊपर एक व्यापक चर्चा करें और समाधान हिमाचल के लिए लाएं, देश के लिए लाएं और ह्यूमैनिटी के लिए लाएं। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16